नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर, पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों गुजरात विच 5,800 करोड़ रुपए तो वध दे प्रोजैक्ट राष्ट्र नूं समर्पित। उन्हां कहा कि भारत दे विकास की चर्चा विश्व भर विच हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके कौमी एकता दिवस से मेरा युवा भारत संगठन की करेंगे शुरुआत। हवा गुणवत्ता प्रबंधन कमिशन वालों पंजाब ते हरियाणा नूं पराली साड़न ते नियंत्रण लई कहा गया। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी का 499वां प्रकाश पुरब धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। ते सुरजीत हाकी टूर्नामेंट दे अज 6वें दिन इंडियन ऑयल मुंबई ने भारतीय एयरफोर्स दिल्ली नूं 3-0 नाल हराया ते भारतीय रेलवे ते आर्मी 11 दियां टीमां 3-3 दी बराबरी ते रहियां। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन गुजरात दौरे ते ने। प्रधानमंत्री वल्लों इस दौरे दौरान महसाणा विखे 5,800 करोड़ रुपए तो वध दे कई प्रोजैक्ट राष्ट्र नूं समर्पित किए गए। प्रधानमंत्री ने इस मौके अपने संबोधन विच कहा कि भारत दे विकास की चर्चा विश्व भर विच हो रही है। उन्हें कहा कि G20 दे जरिए विश्व ने देश की योग्यता नूं देखिया है। उन्हें कहा कि गुजरात समेत पूरे देश दे चंगे भविख लई काम लगातार जारी रहेगा। 6,000 करोड़ रुपया ना विकास ना परियोजना शिलान्यास ना कामो आज अहिया मौको मळ्यो छे। आ परियोजनाओ आ बधा प्रकल्पो किसानों ना भाग्य ने कायमी एक मजबूती आपनारा छे। समग्र गुजरात अने उत्तर गुजरात ना विकास माटे देश साथे जोड़वा माटे ना कनेक्टिविटी ना खूब उत्तम प्रयोगो छे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी की संभाल लई गुजरात विच जिस योजना नूं शुरू किया गया सी उस योजना ने देश भर विच जल जीवन मिशन का रूप लै लिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात वांग ही यह मिशन देश विच करोड़ां लोगों का जीवन बदल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इत्थों दे प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर विच मत्था टेकिया ते मानवता की भलाई लई प्रार्थना की। इस तों पहलां गुजरात पुज्जण ते आम लोकां ने प्रधानमंत्री मोदी दा गर्मजोशी नाल स्वागत कीता। भलके प्रधानमंत्री केवड़िया दा दौरा करनगे जिथे ओह सरदार वल्लभ भाई पटेल दे स्टैचू आफ यूनिटी ते फुलमालावां भेट करनगे। 36 राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे नुमाइंदे मेरी माटी मेरा देश दे समाप्ती समागमां विच हिस्सा लैण लई कौमी राजधानी दिल्ली पहुंच रहे ने। केंद्रीय सभ्याचारक मंत्रालय के बुलारे ने दस्या कि इस संबंधी 2 दिन समागम कर्तव्य पथ से शुरू हो गए ने जिन्हां विच अपनी भागीदारी यकीनी बनाने लई नुमाइंदे पहुंच रहे ने। बुलारे ने दस्या कि वख-वख सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशां तों अमृत कलश लै के आए नुमाइंदे रस्मी पहरावे पा के विशेष तौर ते करवाए जाण वाले मार्च पास्ट विच हिस्सा लैणगे। देशभगती दे गीतां अते कोरियोग्राफी सभ्याचारक डांस वनगियां भी इस समागम दा हिस्सा होणगियां। इस विच हिस्सा लैण वाले नुमाइंदे एक भारत श्रेष्ठ भारत दी भावना नूं दर्शा रहे ने। इस दौरान विशाल अमृत कलश विच वख-वख थावां तों लियांदी गई मिट्टी इकट्ठी कीती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके होण वाले मेरी माटी मेरा देश मुहिम दे अंतिम समागमां नूं संबोधन करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके कौमी एकता दिवस ते मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नाल नौजवानों नूं राष्ट्र निर्माण विच सरगर्म भूमिका निभाउण दा मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तरीक नूं दिल्ली विखे कर्तव्य मार्ग ते मुकम्मल होवेगी। उन्होंने दस्या कि इस यात्रा लई देश दे कोने कोने तों इकट्ठी कीती मिट्टी हुण दिल्ली पहुंच रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दस्या कि यह देश की राजधानी दे दिल विच अमृत कलश राही इकट्ठी की गई मिट्टी नाल अमृत वाटिका की उसारी की जाएगी जिहड़ी सदियां तक इस अमृत महोत्सव की शानदार विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। देश विच पिछले 2.5 साल तो चल रहा आजादी का अमृत महोत्सव भी इसे महीने की 31 तरीक नूं मुकम्मल हो जाएगा।
इस दिन लोह पुरश सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने नौजवानों को myparat.gov.in ते रजिस्टर करन ते वक-वक प्रोग्रामा नाल जुड़न की अपील की है। आज दिल्ली विखे एक दिना मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिस विच अमृत कलश के समापन मौके राज्यां दे केंद्र शासित प्रदेशों तो आए नौजवानों ने कर्तव्य पथ पहुँच के अपने अपने स्थानों तो लियांदी मिट्टी ते चावलों नू एक वड्डे अमृत कलश विच इकट्ठा किया। इस मिट्टी की वरतों भलके मेरी माटी मेरा देश दे समाप्ति समागम विच अमृत वाटिका दे निर्माण वास्ते की जाएगी। इस मौके केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ते केंद्रीय सूचना ते प्रसारण राज मंत्री एल मुरुगन भी मौजूद सन। अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके बोलदिया कहा कि देश दे हर कोने तो वड्डी गिणती विच नौजवान इस प्रोग्राम विच शामिल हो रहे ने। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना नू दर्शाउंदा है। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश ने पिछले दो वर्षों में मनाया, लाखों कार्यक्रम हुए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। एक भारत श्रेष्ठ भारत को और बल देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी की सोच है वो युवा कर रहे हैं। अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहना और अपने शहीदों को याद करना और देश के कर्तव्य पालन करके विकसित भारत देश करने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए आज युवा संकल्प ले रहे हैं। देश के युवाओं में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है और ये सूबे दे हितां दी राखी करना पंजाब सरकार दी जिम्मेवारी है, पर मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी इस जिम्मेवारी तो भजदे होए असली मुद्दियां तो लोगों का ध्यान भटका रहे ने। इन्हां शब्दों का प्रगटावा भारतीय जनता पार्टी दे सूबा प्रधान सुनील जाखड़ ने लुधियाना विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान किया। वह अज इत्थे मेरी माटी मेरा देश तहत एक सूबा पदरी प्रोग्राम विच शमूलियत करन पहुंचे सन। SYL मुद्दे ते गलबात करदिआं सुनील जाखड़ ने कहा कि सारिआं नूं नाल लै के चलण दी जिम्मेवारी सूबा सरकार दी हुंदी ए। उन्हां कहा कि सरकार दी जिम्मेवारी सूबे दे हितां ते पहरा देना हुंदा ए, पर मुख्यमंत्री उस तों भज रहे ने। जदों अज पंजाब दे पाणियां दे उत्ते जिस किसम दे फैसले सुप्रीम कोर्ट चों आए है ते सारा पंजाब ते खास तौर ते खेती नाल जुड़िआ इलाका ते उस तों वी ज़्यादा, सब तो ज़्यादा जिथे जाके उस SYL नहर जे कि खुदा ना खास्ता बनती है या पानी पंजाब दा होर हरियाणे नू जांदा है उहदी जिथे मार पैनी उह साडा इलाका है मालवे दा ते उहदी सट साडे इलाके नू पैंदी है, उहदी बड़ी भारी चिंता है। सुनील जाखड़ ने कहा कि सानू इस गल दी चिंता है, पर मुख्यमंत्री चिंता करन दी बजाए लोकां दा ध्यान भटकाउण लगे होए ने। उन्हां 1 नवंबर की बहस संबंधी पुछे सवाल के जवाब विच कहा कि सब कुछ दिल्ली वालों चलाया जा रहा है। सुनील जाखड़ ने कहा कि जेकर बहस करनी है तो किसी स्टूडियो विच बैठ के भी हो सकती है जिथों सारे लोग देखणगे। उन्हां कहा कि पंजाब भाजपा सूबे के हितां लई डट के पैरा देवेगी। इस तों पहलां मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रीय प्रोग्राम तहत सुनील जाखड़ की अगवाई हेठ इत्थे अंबेडकर भवन विखे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिस विच सूबे भर तों इकट्ठी की गई शहीदां दे घरां दी मिट्टी लियांदी गई। सुनील जाखड़ ते होरनां ने शहीदां नूं सन्मान भेंट किया ते देश दी आज़ादी ते इस नूं बनाए रखण खातर कुर्बानियां देण वाले महान शहीदां दी याद ताज़ा कीती। मेरी माटी मेरा देश साडे देश दी एकता अखंडता ते साडी प्रभु सत्ता नूं लै के जिहड़ी मुहिम चलाई है वी देश दे कोने कोने तों सारे लोकां दे घरां तों एक एक चुटकी मिट्टी जिहड़ी है सारे देश तों वो मिट्टी इकट्ठी करके दिल्ली ले जाई जाऊगी। अज जिहड़ा उहनूं कर्तव्य पथ नाम दिता गया उत्थे प्रधानमंत्री उस मिट्टी दे नाल एक देश नूं समर्पित एक वाटिका उत्थे लाउण वास्ते उत्थे सारिआं वास्ते हमेशा वास्ते एक यादगार बन सके। झोने की वाढ़ी के मौजूदा सीजन के 45 दिनों के समय दौरान पंजाब ते हरियाणा विच पराली नूं अग लगाउण दीआं घटनावां विच कमी आई है। भारत सरकार के वातावरण जंगलात ते जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक बुलारे अनुसार 15 सितंबर 2023 तो 29 अक्तूबर 2023 तक के 45 दिनों की म्याद दौरान पंजाब विच पराली साड़न दीआं कुल घटनावां 5254 ने, जबकि इस समय दौरान 2022 विच गिणती 12,112 ते साल 2021 विच 9,001 सी। पंजाब विच इस साल इन्हां 45 दिनां दे अरसे दौरान एक दिन विच सब तो वध पराली नूं अग लगाउण दी गिनती 29 अक्तूबर नूं दर्ज कीती गई सी, जो कि 1,068 सी, जबकि 28 अक्तूबर 2022 नूं इह गिनती 2,067
ते 29 अक्तूबर 2021 नूं 1353 रिपोर्ट की गई सी। इसे तरह हरियाणा विच 45 दिनों की म्याद दौरान पराली साड़न दियां कुल 1094 घटनावां सामने आईयां, जदकि साल 2022 विच गिणती 1813 ते साल 2021 विच 2413 सी। इस राज विच इस साल दौरान हुण तक एक दिन विच सब तो वध अग्गां दी गिणती 15 अक्तूबर नूं दर्ज की गई सी, जो कि 127 सी, जदों कि 2022 विच 24 अक्तूबर नूं एक गिणती 250 ते 15 अक्तूबर 2021 नूं 363 रिपोर्ट की गई सी। पेश है एक रिपोर्ट। पंजाब विच पराली दे प्रबंधन लई मशीनां दी कुल गिनती 1,17,662 है, जबकि हरियाणा विच ए 80,071 हन। मौजूदा वाडी दे सीजन दे मद्देनजर पंजाब लई पराली दी रेंग खूंद दे प्रबंधन लई 23,000 होर मशीनां अते हरियाणा लई 7,572 होर मशीनां दी खरीद लई कारवाई कीती जा रही है। भावें हुण तक पिछले सालां दे मुकाबले पराली साड़न दीआं घटनावां विच काफी कमी दर्ज कीती गई है, परंतु आगामी 2 हफ्तिआं विच वाडी दे सिखर ते पहुंचण दी उम्मीद दे मद्देनजर इन्हां पराली साड़न दीआं घटनावां विच वाधा हो सकदा है। इस लई हवा गुणवत्ता प्रबंधन कमिशन वल्लों पंजाब अते हरियाणा दीआं सरकारां नूं पराली नूं साड़न दे नियंत्रण लई समूही प्रशासनिक मशीनरी नूं लामबंद करन दी सलाह दित्ती गई है। दूरदर्शन खबरां लई जलंधर तों राजेश बाली। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी का 499वां प्रकाश पुरब धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। पवित्र शहर अमृतसर साहिब वालों जाने जाते चक रामदासपुर के बानी श्री गुरु रामदास जी का जीवन ते फलसफा लोगों नूं नेक नीति मानवता ते रूहानियत वल प्रेरित करन लई सदा चानण मुनारा बनिया रहेगा। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होने लई लखां संगतां इत्थे पुज्जियां होईयां ने। श्री दरबार साहिब नाल संबंधित गुरद्वारा श्री मंजी साहिब दे दीवान हाल विच श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए। पंथ दे प्रसिद्ध रागी ढाडी जथिया वालों गुरु जस दा गायन कीता जा रहा है। हम बारक दीन करो प्रतिपाला मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर कुवल। गुरु साहिब दे प्रकाश पुरब मौके हर साल दी तरह सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब ते परिक्रमा विच स्थित होर अस्थाना ते फुल्लां दी सुंदर सजावट कीती गई है। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब ते बाबा अटल राय साहिब विखे गुरु साहिबान नाल संबंधित इतिहासिक ते बेशकीमती वस्तां जिवें सोने दे दरवाजे चांदी दे कही ते बाटे सोने ते हीरे जड़े जवाहरात दे जलौ संगतां दे दर्शनां लई सजाए गए। श्री दरबार साहिब विखे सुंदर दीपमाला ते आतिशबाजी कीती गई। साहिब श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा अज श्री गोइंदवाल साहब विखे भी बड़ी श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। इस मौके इलाके दियां समूह संगतां वल्लों आयोजित कीर्तन दरबार समागम विच पंथ प्रसिद्ध रागी ढाडी कविश्री जथिया ने गुरु जस दे गायन करके हाजर संगतां नूं निहाल कीता। जलंधर स्थित ओलंपियन सुरजीत हाकी स्टेडियम विखे जारी 40वें इंडियन ऑयल सर्वो सुरजीत हाकी टूरनामेंट के 6वें दिन इंडियन ऑयल मुंबई ने भारतीय एयरफोर्स दिल्ली नूं 3-0 दे फर्क नाल हरा के लीग दौर विच लगातार दूजी जित दर्ज करदे होए सैमी फाइनल वल नूं अपने कदम वधा लए ने। दूजे मैच विच पिछले साल दी जेतू भारतीय रेलवे ते आर्मी 11 दीआं टीमां 3-3 दी बराबरी ते रहीआं ते दोवें टीमां नूं 1-1 अंक हासिल होया। परमप्रीत सिंह ने रेलवे लई 3 गोल करके हैट्रिक कीती। कल इंडियन ऑयल मुंबई दा मुकाबला पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली नाल ते भारतीय रेलवे दा पंजाब पुलिस जलंधर नाल होवेगा। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक आरएनयू डीडीके जलंधर दे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज अते एक्स ते भी देख सकदे ने। ते बुलेटिन दे अंत विच चोणवीआं खबरां एक बार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों गुजरात विच 5,800 करोड़ रुपए तों वध दे प्रोजैक्ट राष्ट्र नूं समर्पित। उन्हां कहा कि भारत दे विकास दी चर्चा विश्व भर विच हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके कौमी एकता दिवस ते मेरा युवा भारत संगठन की करेंगे शुरुआत। हवा गुणवत्ता प्रबंधन कमिशन वालों पंजाब ते हरियाणा नूं पराली साड़न ते नियंत्रण लई कहा गया।
चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी का 499वां प्रकाश पुरब धार्मिक श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। सुरजीत हाकी टूर्नामेंट के अज 6वें दिन इंडियन ऑयल मुंबई ने भारतीय एयरफोर्स दिल्ली 3-0 नाल हराया ते भारतीय रेलवे ते आर्मी 11 दीआं टीमां 3-3 दी बराबरी ते रहीआं। ते इस नाल ही खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। आ गया दिओ, नमस्कार।